नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी एक्सेस के सब गार्ड्स कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देर सारा पैसा बचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चालू करूँगा पीछे का मेन गार्ड निकालने के साथ, और आपको पहले ये बोल्ट निकालने पड़ेंगे दोनों साइड में। बाद में दूसरे साइड का बोल्ट पूरा मत निकालिए, सिर्फ लूज करके रखिएगा। बाद में इधर आगे आके आपको ये बोल्ट जो है वो निकालना है। ऐसा दूसरे साइड में भी एक बोल्ट रहता है, वो भी आपको निकालना है। बाद में आपका गार्ड जो है वो सीधा बाहर निकलेगा। अब आपने जो लूज करके रखा था वो आपको पूरा निकाल के ऐसे पूरा गार्ड बाहर निकालना है। अब मैं निकालूंगा आगे के दो गार्ड्स। तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। इधर नीचे एक बोल्ट रहता है, मेरे इस गार्ड को नहीं है, इसलिए मेरा ये दो ही स्क्रू पे टिका हुआ था, वो आराम से बाहर निकल गया। तो ये निकल गया मेरा दूसरा गार्ड। अब मैं निकालूंगा ये आगे का फ्रंट गार्ड, और इसके अंदर की तरफ एक बोल्ट रहता है, वो आपको लूज करना है। अब आपको दूसरे साइड में आके दूसरे साइड का भी बोल्ट निकालना है। अब इधर बीच में एक बोल्ट रहता है, वो आपको लूज करना है, और इससे आपका ये गार्ड बाहर निकलेगा। तो ये निकला मेरा फ्रंट गार्ड, और अब मैं निकालूंगा पीछे का हैंड सपोर्ट गार्ड। इसके लिए पहले मैं निकालूंगा ये दो एलन के बोल्ट जो इधर है। बाद में मैं निकालूंगा ये स्क्रू जो इस सीट के कोने में है। बाद में इधर स्टोरेज स्पेस में दो बोल्ट रहते हैं, वो आपको निकालने हैं ऐसे। अब ये सब बोल्ट निकालने के बाद आपका सीट सीधा बाहर आएगा। अब आपको ये पेट्रोल टैंक के ऊपर प्लास्टिक कवर है वो निकालना है। इसको सिर्फ एक ही बोल्ट रहता है, वो आपको निकालना है। अभी वो निकालने के बाद आपको पेट्रोल टैंक का कैप निकालना है, और ये कैप निकालने के बाद आपका ये प्लास्टिक का कवर सीधा बाहर आएगा। आप पेट्रोल टैंक का कैप वापस डाल के रखिएगा, नहीं तो आपका पेट्रोल इवेपरेट होगा। अब आपको निकालना है ये गार्ड। ये गार्ड निकालने के लिए आपको ये चार बोल्ट निकालने पड़ेंगे, और ये चारों बोल्ट निकालने के बाद आपका गार्ड जो है वो सीधा बाहर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।